आपने ट्यून किया है FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम फिर गुलाब मैं के, और कल हमने चर्चा की थी साहिर लुधियानवी जी के बारे में, और आज भी हमारे साथ स्टूडियो में है सूर्यकांत शर्मा जी। और सूर्यकांत जी, साहिर जी की जब बात होती है तो बहुत सारे गीत हैं जो दिल में आते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये ख्याल उन्हीं के दिल में आ सकता है। और जब हम साहिर जी की बात करते हैं तो फिर ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों मतलब की कुछ दुनिया, बिल्कुल ऐसे गीत देखिए, कहाँ कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है और कहाँ प्यासा। जी तो एक डिफरेंस समझ पा रहे हैं आप? मैं चाहूंगी कि बिल्कुल। कुछ हमारे श्रोताओं को भी समझाएं। देखिए क्या है कि शायरी साहिर साहब की दो अंदाज में रही, जी, एक तो रही रोमांटिक शायरी जी, और एक रही गंभीर शायरी। आम मैं कोई इसमें टेक्निकल जार्गन्स या बहुत क्लिष्ट भाषा नहीं यूज कर रहा हूँ, आम फहम भाषा जो हमारी आपकी है, जो हमारे दिलों तक पहुँचती है। तो रोमांटिक शायरी में जब साहिर ने शुरुआत की तो गज़ब, और फिर उन्होंने कुछ गंभीर शायरी भी की, तो ये वही है कि हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो ये रोमांटिक है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या क्या है, है? ये गंभीर है ना। और साहिर साहब ने एक नज्म लिखी जिन्हें नाज था हिंद पर वो कहाँ हैं, उसके बाद ये इतिहास में दर्ज है कि उस वक्त के हुक्मरानों ने जो महिलाओं के प्रति दैहिक शोषण की जब बात आती थी वर्ग विशेष में उसको शामिल करके, और फिर उसको बंद हुआ, वो गैर कानूनी घोषित हुआ, ये साहिर साहब की लेखनी की वजह से हुआ, उनके ख्यालात, उनके स्ट्रॉन्ग इदारात की वजह से हुआ। तो ये गंभीर शायरी है। मैं सोच रही थी एक गाना यहाँ सुन लेते हैं। जब हम उनकी बात करते हैं तो गीत संगीत साथ साथ बहुत जरूरी है, और जी, उनके इतने बिल्कुल। गीत हैं, हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा गीत अपने कार्यक्रम में समेट लें। 1967 की एक फिल्म हमें याद आती है, हमराज, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ये भी उन्होंने लिखा है, बहुत ही प्यारा गीत है। सुन लेते हैं जी। जी। गगन के तले धरती का प्यार पले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले, गगन के तले धरती का प्यार पले। बलखाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले, गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले।
तले धरती का प्यार पले आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड और हमारे साथ स्टूडियो में लेखक कवि समीक्षक सूर्यकांत शर्मा जी। सूर्यकांत जी, आज बात कर रहे हैं साहिर साहब की, और जब हम उनके गीतों के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, तो एक गीत है उनका, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये वही लिख सकते हैं, वही लिख सकते हैं। और ये देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसा हमने चर्चा किया कि भाई जो 13 साल का बच्चा जब निकला और फिर वो 24 साल की उम्र में एक किताब लिखता है तलखियाँ, और फिर जब वो उस वक्त की जब पार्टीशन हो गया हमारा और वो वहीं रह गए पाकिस्तान में, तो उनके विरुद्ध उन्होंने जब लिखा और वो सरकार जब उनकी अगेंस्ट हुई तो वो फिर तुरंत दिल्ली आ गए। वो आदमी दिल्ली कुछ हफ्ते यहाँ रहा, उसके बाद वो बॉम्बे पहुँचे। और बॉम्बे में मुंबई कैसे पहुंचे और लिखने का शौक कैसे आया या कैसे उनकी कलम चलने लगी, ये अगर कुछ जिक्र करना चाहे तो। कलम तो शुरू से ही चली उनकी, और अपने कॉलेज लेवल तक आते हुए वो गजलों के बादशाह बन चुके थे, और फैज अहमद फैज के शिष्य भी रहे और काफी लोगों से मुतासिर भी थे। पाब्लो नेरुदा से भी उनके विचारों का असर पड़ा। और ये चीजें क्या होती, जब एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है, पर्सनालिटी का निर्माण होता है, तो उसकी जितनी एडवर्स कंडीशंस हैं और अगर वो उससे पार पा जाता है तो फिर एक बढ़िया सी पर्सनालिटी आती है। जैसे मैं एक बात कहूं कि जब ये तितली का लाइफ साइकिल है तो साइंटिस्ट ने कोशिश की कि इसके लाइफ साइकिल को इजी कर दिया जाए। अच्छा। तो नतीजा ये हुआ कि तितली की लाइफ कम हो गई, क्योंकि जब आदमी जीवन के लिए संघर्ष करता है उसमें जो उसमें क्षमता आती है, और तितली की अगर इसमें जाएं बायोलॉजिकल उसमें, तो वो जो जूसे सीक्रेट होते हैं वो उसकी लाइफ में आगे काम आते हैं। तो वही चीज साहिर साहब के लिए है कि जब ये संगीत की तितली या यूं कहें कि संगीत का एक पूरे का पूरा कायनात जब पैदा हुई तो दुश्वारियों से हुई जी। और फिर ये इन्होंने अपने दो वहां पर पाकिस्तान में ही अदबे लतीफ के संपादक बने, शाहकार के संपादक बने, जैसा कि मैंने बताया 1949 में ये दिल्ली आए और फिर ये मुंबई चले गए, इनको बुलाया गया, तो वहां पर ये दो पत्रिकाएं इन्होंने एडिट की जिसके संपादक रहे। वो रहे शाहराह एक पत्रिका थी, और उसके बाद प्रीत लड़ी। अच्छा। तो प्रीत लड़ी बाद में पंजाबी में भी आई, लेकिन उर्दू की जो वर्षन था प्रीत लड़ी का वो उसके संपादक रहे। फिर इनको जो है बुलाया गया फिल्म के, बॉलीवुड के कुछ लोगों ने इनको नोटिस किया। चलिए इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले गीत सुन लेते हैं। मुझे याद आ रहा है 1965 की फिल्म काजल का गीत, जरा हटके है और थोड़ा रोमांटिक गीत है, छू लेने दो नाजुक जी। अरे वाह, क्या कुछ और नहीं है, जाम है, जाम है ये जी। नाजुक होंठों को कुछ और नहीं है, जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होंठों को कुछ और नहीं है, जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होंठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां,
शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये छू लेने दो नाजुक होंठों को कुछ और नहीं है जाम है ये छू लेने दो नाजुक होंठों को अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है इस मैं को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये छू लेने दो नाजुक होंठों को कुछ और नहीं है जाम है ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये छू लेने दो नाजुक होंठों बात कर रहे हैं साहिर साहब की और सूर्यकांत जी हमारे साथ और सूर्यकांत जी हम बॉलीवुड का जिक्र कर रहे थे इस गीत से पहले तो क्या कहना चाहेंगे तो मैं यही बता रहा था कि जब नोटिस लोगों ने किया लेकिन काम नहीं दिया लेकिन जब वो स्ट्रगल तो होता है संघर्ष के ये वही दुश्वारियों का टाइम था फिर सचिन देव बर्मन के साथ उनकी बातचीत हुई और एक टाइम ऐसा आया कि गीत पहले लिखा साहिर साहब ने मौसी की बाद में बनी बाकी चीजें सब बाद में हुई तो किसी गीतकार का के फन का आलम आप देखिए उसकी ऊंचाई जेनिथ देखिए आप कि वो गीत लिख रहा है उसके हिसाब से मौसीकी हो रही है उसके हिसाब से आगे की चीजें चल रही हैं और गजब की फिल्में बनी जिसमें धूल का फूल है हमराज है वक्त है दाग है आपके बहु बेगम है आदमी और इंसान है धुंध है प्यासा है जैसा आपने बताया उनकी अपनी जिंदगी जो थी वो खुली किताब थी उन्होंने कभी किसी चीज से गुरेज नहीं किया कंट्रोवर्सीज आई लोगों ने बहुत सारी चीजें कहीं भी भले वो अमृता प्रीतम जी को लेकर के कहीं हो भले वो सुधा मल्होत्रा जी को लेकर कहीं हो लेकिन उन्होंने कभी इसको बड़े खुली किताब से अपने आप को रखा और शायद यही वजह रही कि उन्होंने उनकी जो शायरी रही वो बहुत जिसको कहते हैं बेबाक बोल्ड और लोगों के दिलों में उतरने वाली क्योंकि शायर लोगों के दिलों में तब उतरता है जब वो उनकी तरह से सोचे हर खासो आम को ये लगे ये तो मेरी आवाज़ है इसे तो मैं कहना चाहता था और उसी दौरान अगर आप चाहें तो एक गीत सुनवा सकते हैं मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी जवानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी कहानी है आइए ये गीत सुन लेते हैं मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जवानी है मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जवानी है मैं पल दो पल का शायर हूँ मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए कुछ आहें भर कर लौट गए कुछ नगमे गा कर चले गए वो भी एक पल का किस्सा थे मैं भी एक पल
पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। फिर गुलाम महके में मैं आपके साथ प्रीति, हमारे साथ सूर्यकांत जी, और बात कर रहे हैं हम साहिर साहब की। और मैं ये सोच रही थी कि उनके गीतों की जो लिस्ट है वो इतनी लंबी है, हर गीत कुछ ना कुछ कह रहा है अपने आप में, और वो कहीं ना कहीं कवि के, लेखक के भाव होते हैं, गीतकार के भाव होते हैं जो उभर के आते हैं लेखनी में, और कलम चलती है और दिल को सुकून मिलता है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है, साहिर साहब की शायरी में दिल को सुकून देने वाली शायरी है, आपके जज्बात को इजहार करने वाली शायरी है, आपके जज्बातों को एक बेस देने की, एक आवाज देने की कोशिश उन्होंने की है। और सन 1950 से 1975 तक का 25 साल का जो वक्फा है उसमें साहिर साहब की बादशाहत रही है, और इनके बड़े अच्छे मित्र भी रहे, जिसमें राजेंद्र सिंह बेदी साहब रहे, सरदार अली जाफरी साहब रहे। सरदार अली जाफरी साहब से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त है, तो उनके बारे में बातचीत भी हुई होगी कुछ। हाँ, साहिर बिल्कुल हुई, मैंने बहुत पहले लिखा था। हाँ। तो जाफरी साहब ने कहा भाई थोड़ी और मेहनत करो, और मेहनत करो जी। अब ऐसा नहीं है सूर्यकांत जी कि आप कुछ लिखें और आप वो बस आसमान पे छा जाए, नहीं। हाँ। अभी आप कम से कम 10-15 साल और पढ़िए, समझिए। ये बात 1993 की है, 93 तब ये मैं NCERT में हुआ करता था, और हैदराबाद में एक बुक फेयर था। अच्छा। और सरदार अली जाफरी साहब जो थे वो वहाँ पर चीफ गेस्ट थे, जिसमें उन्होंने गीता और कुरान पर एक बैलेंस करके एक व्याख्यान दिया था। तो बात आ रही थी साहिर साहब की, तो राजेंद्र सिंह बेदी जी थे, कृष्ण चंद्र हुआ करते थे, और जानिसार अख्तर, निदा फाजली भी हुआ करते थे। अच्छा, एक और वाक्य आपको बताऊं, जानिसार अख्तर उनके साथ रहते थे, क्योंकि साहिर को तन्हाई से बहुत डर लगता था, और जानिसार अख्तर साहब की ये जिम्मेदारी थी कि वो साहिर को कंपनी दें। और जानिसार अख्तर साहब की एक और खासियत थी कि वो बहुत जल्दी शेर कहते थे, या उसे पूरा करने में उनका मुकाबला नहीं था, और इसलिए वो हर पल साहिर साहब के साथ रहा करते थे। अब देखिए क्या होता है कि बचपन की जो हमारी चीजें हैं या माइनस पॉइंट हैं, वो कहीं ना कहीं आप जेनिथ पर पहुंच जाइए, वो जो फ्लॉ, वो जो कमी रह जाती है भावनात्मक रूप से, इमोशनल कोशेंट में, वो आपको आगे तक रहती है। तो मैं अपने श्रोताओं से कहूँगा कि ये आज़ादी का अब अमृतकाल से बढ़ करके चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पर हमारे बच्चे बेहद जहीन हों लेकिन मजबूत हों, और प्रैक्टिकल हों, व्यवहारिक हों, ऐसी कोशिश कीजिएगा। आप कह रहे थे कि एक पक्ष नहीं है, दो पक्ष नहीं है, अनेक पक्ष हैं जी। तो अब कौन सा पक्ष है जो आप बताना चाह रहे हैं? देखिए अब हम चलते हैं जो साहिर साहब ने मजहब या सामाजिक बुराइयों के ऊपर जो चोट की है जी, वो बहुत गजब की है। एक फिल्म थी चित्रलेखा, चित्रलेखा मीना कुमारी, प्रदीप कुमार, अशोक कुमार। इसमें जो संस्कृति में एक तरफ बहुत ऊंचाई है, लेकिन वो ऊंचाई जब किसी लालच में पड़ जाती है तो वो ऊंचाई नीचे गिर जाती है जी। और यहाँ पर जो नर्तकी है वो
चित्रलेखा है, मीना कुमारी जी हैं, और ये जो बहुत पहुंचे हुए साधु महाराज हैं ये अशोक कुमार जी हैं। तो ये कहीं उस पर आसक्त होते हैं और वहां पर साहिर साहब ने उस सिचुएशन पे एक गाना लिखा है जिसमें वो नर्तकी उनको एहसास दिलाती है कि तुम क्या हो और क्या तुम्हें करना चाहिए। तो वो गाना था, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को तुम अपना न सके उस लोक को क्या अपनाओगे। ये गीत सुन लेते हैं फिर आगे बातें करते हैं। संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो जी। ये फिल्म बहुत बेहतर थी और इस फिल्म में जो अदायगी है वो भी कह सकते हैं कि माशाल्लाह, और गीत ने तो दिल पर छाप छोड़ी है। बिल्कुल बहुत सही कहा आपने, और ये एस्पेक्ट वाकई में बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट है उनका, और इसे भी लेना बहुत ज़रूरी था जब हम साहिर साहब की बात करते हैं। और आपने भी बहुत कुछ लिखा है साहिर साहब पे, तो अगर कुछ और पंक्तियां आप साझा करना चाहें तो। हाँ, लालच है कि साहिर साहब के कुछ और गाने भी सुने, लेकिन एक इसमें साहिर साहब का रहस्यवाद पर भी
रहस्यवाद, रहस्यवाद यानी मिस्टिसिज्म पर भी पकड़ थी। अच्छा। और एक गाना था, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है, एक पल के झपकने तक ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर मोड़ सुहाना है। क्या बात, ये गाना आ जाए, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, ये गीत सुन लेते हैं जी। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। क्या जाने कोई किस पर, किस मोड़ पे क्या बीते, इस राह में ऐ राही हर मोड़ बहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ला 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 ला। सूर्यकांत जी, बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता है कि हम और आगे चलें, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं कहना ये चाहूँगा कि साहिर साहब जो हैं वो वर्तमान में जीने की बात कहते हैं जी, ना वो पीछे की बात यानी भूत की बात करते हैं, ना भविष्य की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि वर्तमान। और वक्त फिल्म का ये गाना है जो सिग्नेचर है, कालजयी जिसको कृति कहते हैं। कुछ गाने, कुछ रचनाएँ, कुछ लोग कालजयी होते हैं, साहिर साहब उन्हीं में से एक हैं। और उनका ये गाना वक्त का, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। तो ये गाना जो है वो हमारे श्रोताओं को, किसी भी उम्र के हों, मैं समझता हूँ एक 12 साल के बच्चे से लेकर के और 95 साल का बुजुर्ग इसको अप्रिशिएट करेगा इस गाने को। और वो वर्तमान में रहें हम, और साहिर साहब को याद करें, उनसे प्रेरणा लें, उनकी बातों को अमल में लाएं, उनकी दुश्वारियों को समझें और अपने जीवन में बेहतर रहें। कोरोना से निकले हैं और अब हम चाहेंगे कि हम आत्मनिर्भर बने, विश्व गुरु बने। जी जी जी। 1965 की फिल्म वक्त, इस फिल्म का ये गीत सुन लेते हैं। आगे भी जाने न तू, पीछे भी एक पल है, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है
मुझे लगता है वक्त फिल्म का गीत सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है कि और बातें करें, लेकिन सूर्यकांत जी आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होंगी, क्योंकि जो अच्छा लिखते हैं, जो अच्छा कहते हैं, जो अच्छा समझते हैं, जो अच्छा समझाते हैं, उनसे बार बार मुलाकात करने को जी चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद गोल के स्टूडियो में आने के लिए और इतनी बेहतर बातें हम सब के साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब स्वस्थ प्रसन्न रहें और जीवन में बढ़ें आगे, लेकिन साहिर साहब को साथ रखें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रीति को दें इजाजत, नमस्कार।